जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र की जागरूकता के बारे में सुन रहे हैं। एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ है। धर्म प्रेमी बंधु ने प्रश्न किया है कि रोजाना रात में मेरे मकान का दरवाजा बाहर से कोई खटखटाता है, परंतु जब कमरे के बाहर निकलते हैं तो कोई भी नहीं होता है। बहुत बार मेरी पत्नी ने इस बात को मुझे बताया, परंतु कभी इतना ध्यान नहीं दिया। कल फिर यह घटना घटित हुई। रात को 1 बजे के आसपास तब भी साफ साफ दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। तुरंत उठकर हम जब दरवाजा खोला और देखा तो वहां पर कोई नहीं था। ऐसा क्यों हो रहा है यह बताने का कष्ट करें, और यदि इसका कोई उपाय है तो उपाय भी बताएं। फिर महाशय जी कहते हैं कि हमारा मकान तिराहे पर है, जहां पर 3 रास्ते स्टार्ट होते, तिराहा जिसको बोलते हैं। इसका अर्थ यहां पर यह आ रहा है कि यदि रात को 12 बजे से 3:30 बजे के बीच में कोई भी व्यक्ति आपका मुख्य दरवाजा खटखटाता हो, हमेशा यहां ध्यान रखिएगा, मुख्य दरवाजे की बात कर रहा हूं, जब भी अदृश्य शक्ति का प्रकोप होगा या किसी के द्वारा भेजी जाती है तो वह हमेशा मुख्य दरवाजे से ही आती है। खिड़की खुली होगी तो भी अंदर प्रवेश नहीं करती है, और पीछे का दरवाजा इन केस यदि खुला हुआ है, जाली वाला है, खिड़की है, तो भी पीछे से भी नहीं आती है। यह नियम होता है। तो जिस रास्ते को मुख्य दरवाजे से आना जाना हम करते हैं मनुष्य, वैसे ही ये शक्तियां, प्रेत आत्माएं आने जाने का काम करती है। यदि आपका मकान तिराहे पर हो, किसी के यहां चौराहे पर हो, किसी रेलवे क्रॉसिंग के आसपास हो, या शमशान के पीछे हो, कब्रिस्तान के पीछे हो, या आपके मकान के पीछे कब्रिस्तान हो, तो ऐसी जगह पर यदि मकान होता है तो बहुत सी प्रियतात्माएं उस स्थान से भागने के लिए रात को 12 से 3:45 के बीच में आसपास के मकानों में दरवाजा खटखटाती है, या फिर कभी कभी किसी शत्रु के द्वारा आपके यहां पर कोई चीजें छोड़ी जाती है। तो जो चीज रात को पूजा के समय पे छोड़ते हैं, 12 बजे के बाद शमशान में पूजा होती है, तो वो चीजें जब आती तो वो भी मुख्य दरवाजे को ही खटखटाती है, और रात को 12 से 3:45 के बीच में ही खटखटाती है। तो ये मान करके चलें कि जिन भी मनुष्यों के यहां पे ऐसी कोई घटना घटित हो रही है पिछले 1 साल से 6 महीने में, या 3 महीने में, या हर महीने में एक बार दरवाजा खटखटाने की आवाज आ जाती, या फिर कभी कभी हर दूज को, चौदस को, छठ को, चतुर्दशी को, अमावस्या के दिन यदि दरवाजा खटखटाता है, तो समझाओ कोई न कोई तंत्र विद्या, कोई अदृश्य शक्ति आपके यहां पर प्रवेश करना चाह रही है। यानी आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, उस मकान के ऊपर कोई न कोई चौकी लग रही है, या कोई न कोई अदृश्य शक्ति आपके यहां पर प्रवेश करने की मंशा रखती है, जिसको भेजा गया है। यानी अब आपको नुकसान होने की संभावना है।
शारीरिक नुकसान हो सकता है, मानसिक नुकसान हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, सामाजिक नुकसान हो सकता है। अब इसका अर्थ यहां पर यह भी होता है कि यदि घर परिवार में किसी के परिवार में किसी स्त्री के गर्भ में कोई बच्चा है तो उस बच्चे की मृत्यु हो सकती है, उसका गर्भ गिर सकता है। पहला नुकसान तो यह होता है। दूसरा, किसी की मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, उसकी सोच में परिवर्तन हो सकता है, या आपने जहां पर पैसा लगाया हुआ है वहां से पैसा धीरे धीरे डूब जाएगा, ने आपका नुकसान होना प्रारंभ हो जाएगा। तो भी समझ जाइए कि निश्चित तौर से कहीं न कहीं पर आपको कष्ट होने वाला है, आपकी बदनामी हो सकती है, चरित्रहीनता हो सकती है, या फिर पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, मां बेटे में झगड़ा हो सकता है, सास बहु में झगड़ा हो सकता है। ये प्रेत आत्मा घर के अंदर प्रवेश करके क्लेश, दुख, अशांति का वातावरण उत्पन्न करती है, और जब ये तीनों चीज घर के अंदर उत्पन्न हो जाती है तो दरिद्रता नामक देवी घर के अंदर आ जाती है। बस उनका काम पूरा हो जाता है, आपको दरिद्री बनाना, आपको बीमार बनाना, आपको आलसी बनाना, घर के अंदर अशांति उत्पन्न करना। तो ऐसा यदि जिस भी मनुष्य के घर में हो रहा हो, ज्ञान की बात है, तंत्र से संबंधित गहन रहस्यमय ज्ञान की बात यह है कि यदि 12 से 4 बजे के बीच में किसी के भी घर में, चाहे वो तिराहे का मकान हो, चौराहे का मकान हो, गली का आखिरी मकान हो, पुलिया के पास में मकान हो, शमशान के पास मकान हो, कब्रिस्तान के पास में मकान हो, या रेलवे क्रॉसिंग के पास में मकान हो, तो मान करके चले वहां पे बहुत सी अतृप्त आत्माएं भी होती है, वह भी आपके घर के अंदर प्रवेश करके आपके घर परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से भोजन पानी के लिए घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और आपको पता ही नहीं चलता है। और अक्सर ये आत्माएं रात को ही परेशान करती है, क्योंकि प्रेत आत्माएं 12 से 4 बजे के बीच में, आसुरी प्रवृत्ति वाली आत्माएं 12 से 4 बजे के बीच में बहुत ज्यादा प्रबल होती है। इसलिए 12 से 4 के बीच में कभी यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। 12 से 4 बजे के बीच में जहां पर 11:30 बज जाए आपको वहां पे सो जाना चाहिए, गाड़ी को एक तरफ रोक करके कहीं पर भी रेस्ट करना चाहिए। 12 से 4 बजे के बीच में गाड़ी घोड़े भी नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा कई बार ये अदृश्य आत्माएं जहां पर पहले कभी एक्सीडेंट हुआ होता है वहां की अतृप्त आत्माएं दूसरी गाड़ी का भी एक्सीडेंट करवाते हैं और फिर वहां पर खून वो लेने का काम करती, क्योंकि उन्हें खून बड़ा प्रिय होता है। तो 12 से 4 बजे के बीच में गाड़ी भी नहीं चलाना चाहिए, 12 से 4 बजे के बीच में कोई पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए, और 12 से 4 बजे के बीच में सहवास संभोग भी नहीं करना चाहिए। यदि उस समय आप करते हैं, स्त्री के साथ रमण करते हैं और स्त्री को गर्भ ठहर जाता है, तो उस समय पे जो आत्मा आती है गर्भ में वह दुष्ट आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करती है। इसीलिए कहा गया है कि जल्दी सोना चाहिए ताकि स्त्री के साथ रमण 11:30 बजे के पहले पहले कर लेना चाहिए ताकि बीज सही पुट होता है। तो रिजल्ट यह निकलता है अल्टीमेटली कि यदि 12 से 4 बजे के बीच में दरवाजा खटखटाता है या 12 से 4 बजे के बीच में कोई आवाज आती है, परंतु आपको दरवाजा नहीं खोलना है, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा लकवा लग सकता है, मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, पागलपन के दौरे पड़ने की संभावना हो सकती है। ये जिसने भी दरवाजा खोल दिया तो कभी कभी उसके ऊपर मूठ चल जाती है और व्यक्ति मर जाता है, पता ही नहीं चलता है कि किस चीज से मर गया,
डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो कहेगा सब हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो यह कोई बीमारी नहीं होती, यह ऊपरी बाधा की वजह से अचानक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तंत्र विद्या की वजह से। और जब जो व्यक्ति तंत्र विद्या से मर जाता है, उसकी आत्मा पिंड दान लेने के लिए, तर्पण लेने के लिए नहीं आती है। जिस तांत्रिक के द्वारा मारा जाता है, उस तांत्रिक की शक्ति उसको लेकर के चली जाती है। तो ऐसी आत्मा गुलाम बन करके कई हजार वर्षों तक भटकती रहती है और वह गुलाम ही रहती है, उसका मुक्ति नहीं होती है, उसका मोक्ष नहीं होता है, उसका कई बार पुनर्जन्म भी नहीं होता है, क्योंकि वह किसी और के बंधन में रहती है। तो हमेशा ध्यान रखें, तंत्र विद्या से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पितृ दोष की उत्पत्ति हो जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब इसका उपाय यही है कि जब भी आपका कोई दरवाजा खटखटाए या कोई बाहर से अदृश्य शक्ति आवाज दे, क्योंकि आजकल तो मोबाइल सिस्टम है, कोई भी व्यक्ति आएगा रात को 12 बजे 11 बजे तो मोबाइल करेगा आपको। यदि मोबाइल नहीं करता है और यदि आपके दरवाजा बजाता है या फिर आवाज आती है, तो आपको दरवाजा नहीं खोलना है, पहली बात। दूसरी बात, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ एक नींबू की माला हर सप्ताह में लगाना चालू कर दें। पुराने नींबू की माला को जला दीजिए और नए हरे नींबू की माला बना करके लगाएं। लौंग की माला वहां पे मुख्य दरवाजे पर लगा देना चाहिए। मुख्य दरवाजे पर गाय का गोमूत्र एक प्लास्टिक की शीशी में भर के लटका के रखना चाहिए और गाय का गोबर से स्वास्तिक चिन्ह और त्रिशूल का चिन्ह मुख्य दरवाजे पर बनाना चाहिए। और हो सके तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन बासोड़ा नाम की एक पूजा होती शीतला माता की, वह पूजा करना चाहिए। और पूजा करके आने के बाद में चने की दाल का पेस्ट जिसमें हल्दी मिली हुई हो, जो शीतला माता जी को चढ़ाने के बाद बचता है, उसके छापे अपने घर परिवार की कोई भी स्त्री, सुहागन स्त्री से वो छापे मुख्य दरवाजे पर लगवा दीजिए, या दरवाजे के पास कोई दीवार हो तो वहां पर लगा दीजिए। इससे भी आपके घर की रक्षा हो सकती है। घर के जो है आपका छत के चारों कोनों पर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन चारों कोनों पर नागफनी की कील, ओम बम भैरवाय नमः, ओम झम क्षेत्रपालाय नमः, यह बोलते हुए चार नागफनी की कील चारों दिशाओं में लगा देना चाहिए। इससे भी किसी प्रकार की तंत्र विद्या घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। कच्चा सूता यानी सफेद धागा होता है, उस कच्चे सूते से भी सुरक्षा कवच बोलते हुए चारों नागफनी की कील को आपस में एक दूसरे से कच्चे सूते से बांधना चाहिए। इससे भी घर परिवार की तंत्र से सुरक्षा होती है, अदृश्य शक्ति से सुरक्षा होती है। घर की छत पर ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए और रोजाना उसकी देखरेख करें, रोजाना जल चढ़ाएं, रोजाना दीपक लगाना चाहिए। इससे भी घर के ऊपर तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, किसी के द्वारा भेजी गई तंत्र विद्या का प्रभाव नहीं होता है। और ज्यादा यदि होता हो तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों पर हर दो दिन में हरे नींबू काटना चालू कर दें। यदि आपको लगता है कि आए दिन कोई न कोई ऐसी अदृश्य शक्ति से महसूस होता है कि वो को भेजी जाती है या आती है, तो आप अपने छत पर एक नींबू के चार टुकड़े करके चारों कोनों पर रखना प्रारंभ कर दें। रोजाना एक नींबू को खड़े में काट करके चारों कोनों पर एक एक टुकड़ा रखें, इससे भी आपके घर की सुरक्षा होगी। बाकी टोटके बहुत सारे हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप इस संबंध में उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं लगाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि घर की सुरक्षा के लिए आपको रक्षा कवच चाहिए
तो वो भी देवराधा ट्रस्ट से उचित दक्षिणा के साथ में आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को 12 से 4 के बीच में डर लगता हो, घर में सोते हैं तो लाइट जला करके सोते हैं, अंधेरे से डर लगता हो, आंख बंद करने पर कभी कभी कोई परछाई नजर आती हो, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी रक्षा कवच आप चाहें तो मंगा सकते हो। अदृश्य शक्ति की से उस मनुष्य के ऊपर यदि पहले से कोई उसके अंदर प्रेत बाधा नहीं है तो निश्चित तौर से भविष्य में प्रेत बाधा नहीं लगेगी, इसके लिए रक्षा कवच उपलब्ध है। जय माता दी।